बड़ी संख्या में कांग्रेसियों को बीजेपी में शामिल करने की तैयारी है। कांग्रेस नेताओं को तोड़कर बीजेपी की सदस्यता दिलाने की तैयारी है। विंध्य, महाकौशल और बुंदेलखंड की लोकसभा सीटों पर चुनाव होगा, लेकिन उससे पहले बीजेपी लगातार मजबूती जमीनी स्तर पर लाती हुई नजर आ रही है। बड़ी संख्या में कांग्रेसियों को बीजेपी में शामिल कर रही है। कांग्रेस नेताओं को तोड़कर बीजेपी की सदस्यता दिलाने की यहां पर तैयारी की जा रही है। विंध्य, महाकौशल और बुंदेलखंड पर अगले महीने चुनाव है, लेकिन उससे पहले कई दिग्गज बीजेपी का दामन थामते हुए नजर आ रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी शब्बीर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। 6 अप्रैल को स्थापना दिवस पर बीजेपी अपना शक्ति प्रदर्शन दिखाती हुई शब्बीर नजर आएगी। किस तरह की तैयारियां और क्या कुछ पूरी स्ट्रेटेजी रहने वाली है बीजेपी की? देखिए, हमारी बात की जाए 6 अप्रैल की, तो बीजेपी की तरफ से इस दिन को लेकर बड़ी तैयारी की गई है, क्योंकि इस दिन बीजेपी का स्थापना दिवस है और उसी को लेकर बीजेपी ने चुनाव को ध्यान में रखते इस बार पूरा पहले ही मंथन कर लिया गया, रणनीति बनाई गई है। और अब जो सोर्सेस बता रहे हैं हिमानी के बड़ी संख्या में उस दिन कांग्रेस के नेता, कार्यकर्ता, पदाधिकारी, पूर्व विधायक बीजेपी के अंदर शामिल होंगे। अभी तक की बात की जाए, पिछले एक महीने से जो ज्वाइनिंग चल रही है और बड़े पैमाने पर ये कह सकते हैं कि कांग्रेस के नेता बीजेपी में शामिल हुए हैं, तो उसके अंदर एक महापौर और एक मौजूदा विधायक, यानी दो जनप्रतिनिधि जो कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीत कर आए हैं, बड़े ये कह सकते हैं वो अब तक के बीजेपी के अंदर शामिल हो चुके हैं। और जो जानकारी निकल कर सामने आ रही है कि बीजेपी ने जो रणनीति बनाई है, खासकर विंध्य, महाकौशल और मालवा को लेकर और बुंदेलखंड को लेकर, इन इलाकों में बड़ा झटका देने की तैयारी में है। और अगले महीने की बात की जाए तो विंध्य की 2 सीटों पर और महाकौशल की 4 सीटों पर चुनाव होने हैं। और उससे पहले बीजेपी की पूरी कोशिश यही है कि एक के बाद एक नेताओं को कांग्रेस से बीजेपी में शामिल किया जाए और इससे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का मनोबल तोड़ा जाए। जिस तरीके से छिंदवाड़ा गढ़ कहा जाता है और वहां पर सेंध मारी पिछले 24 घंटे के अंदर बीजेपी ने बड़ी की है, उससे एक तरीके से एक मैसेज गया है बीजेपी के कार्यकर्ताओं में भी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में। तो निकाल दिया है, लेकिन छिंदवाड़ा में कैसे भेद पाएगी ये